हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको राम लड्डू खिलाऊंगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारे राम लड्डू कितने यमी बने हैं, कितने टेस्टी बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे राम लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन्नास फूड रेसिपी। राम लड्डू बनाने के लिए या मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 कप मूंग दाल। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग दाल लिए, इसमें 2 चम्मच मैंने उड़द की दाल डाली है और 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पे चने की दाल डाली है इसके अंदर। आप चाहें तो चने की दाल और उड़द की दाल को स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ मूंग दाल से बना सकते हैं। पर ये मैंने भैया से पूछी थी, जो पकोड़े वाले भैया थे, मैंने उनसे पूछी थी ये रेसिपी, तो उन्होंने मेरे को इसी तरह से बताई कि थोड़ी सी हम मूंग दाल और थोड़ी सी उड़द दाल और चना दाल डालते हैं मूंग दाल के अंदर, तो मैंने इसीलिए डाली है। अब इसको अच्छे से वॉश कर लें, बिल्कुल अच्छे से। मैंने इसीलिए ये दोनों दालें भी इसके अंदर ऐड की हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल वैसी रेसिपी दिखाऊंगी, एकदम स्ट्रीट स्टाइल मूंग दाल के पकोड़े या राम लड्डू, आप जो भी कहें इनको। और इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे। तब तक हम अपना और जी रेडी करते हैं। तब तक हम अपनी मूली को ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मूली को पत्ते मैंने इनके तोड़ दिए और मैंने उनको फेंक दिया, सॉरी मैंने उनको फेंक दिया, वो पत्ते भी मेरे को थोड़े चाहिए थे। अगर आपके पास है पत्ते तो आप ना फेंके उनको, वो बाद में चटनी में काम आएंगे। तो अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। आपने देखा होगा वो भैया मूंग दाल के पकौड़ों पे चटनी के ऊपर मूली भी डालता है, तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगता है, मूली का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने यहाँ पे मूली भी ली है और उसको मैंने ग्रेट करके रख लिया। अब हम अपनी चटनी रेडी करते हैं। चटनी के लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, हम धनिया और पुदीना की चटनी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीना दोनों को मिक्स कर लिया, दोनों को साथ में वॉश कर लिया था अच्छे से। और मैंने धनिया के स्टेम भी नहीं तोड़े, आप देख सकते हैं इसके स्टेम डाल लें, इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर मिलता है, आप इसके स्टेम ना तोड़े। धनिया पुदीना मैंने ले लिया था, मैंने दोनों को इकट्ठा डाल दिया। अब हम यहाँ पे हरी मिर्च डाल लेंगे, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, अगर आपको थोड़ी कम स्पाइसी पसंद है तो आप कम डाल लें। मैंने अब 3 हरी मिर्च डाली है और 1/2 चम्मच नमक डाला मैंने इसमें, और ये थोड़ी सी नमकीन ली है मैंने, आपके पास जो भी भुजिया या जो भी नमकीन है इस तरह की सेव, आप वो डाल लें, मेरे पास ये थी। और इसमें हम 2 नींबू का जूस डाल लेंगे, थोड़ा खट्टी खट्टी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नींबू लिए। आपने देखा होगा वो भैया की चटनी कितनी अच्छी लगती है खट्टी, हम उसको बोलते हैं भैया थोड़ी और डालो इसके अंदर चटनी, चटनी बहुत ही हमें लगती है। मैंने सारा कुछ पूछा भैया से, चटनी चटनी का भी पूछा कि चटनी किस तरह से बनाते हो इतनी अच्छी इतनी यम्मी, तो भैया ने मेरे को बताया कि ये सब डालते हैं। मैं आपको बिल्कुल वैसी रेसिपी दिखाऊंगी, एकदम बाहर मार्केट वाली एकदम। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया इसके अंदर और 2 नींबू का जूस भी, और जैसे मैंने बोला था कि मैंने पत्ते फेंक दिए तो मैंने थोड़ी सी मूली डालनी है इसके अंदर, ग्रेट की हुई मूली ऐड कर ली। आप थोड़े पत्ते डाल लें तो अच्छा फ्लेवर आएगा, वैसे इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। तो हमारी चटनी रेडी हो गई है, अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। चटनी देखिए दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, एकदम लग रही है ना वैसी एकदम भैया जैसी। अगर आपको इसका कलर थोड़ा सा कलर लाना है इसमें तो आप थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें कलर वगैरह, बिल्कुल नेचुरल कलर है इसका ऐसे ही। मूली और चटनी हमारी रेडी हो गई है, अब हम अपनी दाल देखते हैं। इसको मैंने वॉश कर लिया था, ये भीग गई एकदम फूल गई अच्छे से, और मैंने इसी मिक्सर जार में इसको इसी तरह से डाल दिया, इसको वॉश भी नहीं किया मैंने जार को, क्योंकि चटनी इसमें लगी हुई थी तो इसमें चटनी का फ्लेवर भी आ जाएगा दाल में, इसीलिए मैंने इसी के साथ इसको पीस लिया। देखिए हमारी दाल पीस के एकदम रेडी हो गई। अगर आपको इसमें पानी डालने की जरूरत पड़े थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, ज़्यादा ना करें, नहीं तो ज़्यादा पतला बैटर हो जाएगा हमारा। मैंने बस उतना ही पानी ऐड किया है इसमें कि जिससे अच्छे से पीस सके, इसका अच्छे से पेस्ट बन सके, अच्छे से बैटर बन सके। और इसको मैं फाइन पीस लेना, बिल्कुल दरदरा नहीं पीसना इसको, इसमें थोड़ी सी चटनी और ऐड कर लूँगी। आपने देखा होगा वो खाले भी हम उसको खाते हैं मूंग दाल के पकौड़े को या राम लड्डू को, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा चटपटा सा लगता है, तो उसमें भैया थोड़ी चटनी डाल देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चटनी ऐड कर दी। वैसे पहले भी थोड़ा सा फ्लेवर आ रखा था इसमें चटनी का,
क्योंकि मैंने उसी जार में इसको पीस लिया था दाल को भी, तो आप भी थोड़ी सी चटनी ऐड कर लें और इसको फेंटते रहे, इसको कम से कम 5 मिनट कंटिन्यू फेंटे आप, या तो हाथ से फेंट ले या विस्क से फेंट ले, आप जैसे भी फेंटना चाहे उससे फेंट ले, मैं विस्क से फेंट रही हूँ, आप खुद ही देखेंगे इसका फर्क कितना पड़ेगा इसमें। ये बिल्कुल फ्लफी हो जाएगी, एकदम हल्की हो जाएगी, इसके अंदर हवा भर जाएगी और जिससे कि हमारे पकौड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे, एकदम स्पंजी जालीदार बनेंगे, जैसे हम बाहर खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। मैं आपके साथ बिल्कुल भैया वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसको फेटते रहें, आप खुद देखेंगे कि पहले से काफी लाइट वेट लग रही है, काफी लाइट लग रही है, फ्लफी हो गई है पहले से काफी ज्यादा। यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी लिया है, फिर पकौड़े हम बनाएंगे, जब इसके ऑयल को मैंने हॉट होने के लिए रख दिया था पहले से ही, तो हमारे हाथों पे बैटर चिपके ना, जिससे कि मैंने इसलिए हाथों पे पानी लगा लिया, हर बार जब हम पकौड़ा बनाएंगे तो हर बार हम पानी में हाथ को डिप करेंगे। आप चाहे तो स्पून से भी बना सकते हैं, मैं अभी हाथ से बना रही हूँ, पहले आपको हाथ से बना के दिखा देती हूँ, ये हाथ से भी बड़े सही बनते हैं, आप हाथ से भी बना सकते हैं, हर बार हाथ को डिप कर लें, जिससे कि हमारा बैटर बिल्कुल हाथों के ना चिपके और अच्छे से पकौड़े बन जाए। देखिए हमारे पकोड़े काफी लाइट वेट बन रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे मैं इनको ऑयल में डाल रही हूँ, जैसे बैटर थोड़ा सा, तो एकदम ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल हल्के हैं इसलिए फटाफट ऊपर आ रहे हैं, ये ऑयल में एकदम फ्लोट कर रहे हैं ये। बहुत अच्छे बनते हैं, इनको मैंने पहले ट्राई किया है, फिर आपके पास और पास ये रेसिपी लेके आई हूँ मैं, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से बने, ये रेसिपी मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ बिल्कुल बना के। ये देखिए किस तरह से फूल रहे हैं हमारे एकदम पकोड़े, एकदम अच्छे से फूल रहे हैं, बिल्कुल शेप भी इनकी थोड़ी राउंड राउंड हो गई। अब ऑयल थोड़ा ज्यादा रखें और फ्लेम को पहले मीडियम ही रखें, अगर आपको थोड़ा लगता है कि जैसे पकोड़े डाल रहे हैं उस तरह से हमारा तेल थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो फ्लेम को हाई कर सकते हैं और ऐसे चलाते हुए इनको फ्राई कर लें, इनको इस तरह से चलाते रहें, तेल में हिलाते रहें इनको, ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे बनते हैं, इस तरह से आप बनाओगे तो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे, आप इनको जरूर ट्राई करना घर पे एक बारी, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं, खाने में भी और दिखने में भी बिल्कुल वैसे लगेंगे, और बनने में भी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है इसको बिल्कुल इजीली, बहुत आसानी से बनती है ये। अब हम निकाल लेंगे इनको, अगर आपको बिल्कुल क्रिस्पी चाहिए ये तो आप सर्व करते टाइम इनको एक बार और फ्राई कर लें, अभी हम इनको पूरे सबको बना के रख लेंगे पहले एक साथ, फिर ऑयल को हॉट करके एकदम फ्लेम को हाई रख के आप इसमें एक बार और फ्राई कर लें इनको, तो ये सुपर क्रिस्पी बनेंगे बिल्कुल। जैसे अगर आपको ये ऐसे पसंद नहीं है, क्रिस्पी पसंद है, अब मैं आपको स्पून से भी बना के दिखा रही हूँ, देखिए मैंने स्पून को भी पानी में डिप कर लिया और हर बार इसको डिप कर रही हूँ मैं पानी में, तो देखिए आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हो रहा, स्पून पे बिल्कुल इजीली अट रहा है पूरा बैटर। आसानी से अट रहा है पूरा का पूरा बैटर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी 4-5 हरी मिर्च ले रही है, अगर आपके पास बड़ी वाली मोटी वाली मिर्च है जो अचार वाली होती है तो आप वो ले लें, उनके पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मेरे पास अभी यही वाली अवेलेबल थी जो नॉर्मल हरी मिर्च होती है घर में जो हम सब्जी में डालते हैं, मैंने वही ले ली। मैं आपको इनके पकौड़े भी बना के दिखाती हूँ। आपने देखा होगा भैया के पास मिर्च वाले पकौड़े भी होते हैं, तो उसने मेरे को बताया था कि इस तरह से नमक और थोड़ा अमचूर इनको स्लिट करके बीच में से लगा लें और फिर बैटर में डिप करके इनके पकोड़े बना लेने, बिल्कुल वैसे पकोड़े बनेंगे जैसे भैया के पास होते हैं बिल्कुल, और ये खाने में भी बिल्कुल तीखे नहीं लगते क्योंकि इनकी इनके अंदर हमने नमक और अमचूर जो लगाया, ये बिल्कुल कम तीखे वाले और एकदम टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं बिल्कुल खाने में एकदम वैसे ही भैया के जैसे। इस तरह से बना लें आप इसको बिल्कुल अच्छे से, बैटर में डिप कर लें बिल्कुल अच्छा से, बैटर इस पर लगा लें एकदम ऐसे, बहुत इजी है, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें,
बहुत इजीली आप बना सकते हैं उसको, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि घर पे आप इसको जरूर ट्राई करें। बिल्कुल अच्छे से बनेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितना लाइट वेट हो रखा, कितना हल्का हो रखा हमारा बैटर, एकदम अच्छे से बन रहा है। एकदम हम जैसे इसके अंदर डिप कर रहे हैं, डाल रहे हैं अपने मिर्ची के पकौड़ों को भी, एकदम ऊपर आ रहे हैं वो, एकदम फ्लोट कर रहे हैं ऑयल में, बिल्कुल भी ऐसे नीचे नहीं डूबे पड़े जैसे। तो देखिए हमारे सारे राम लड्डू बन के रेडी हैं, मूंग दाल के पकौड़े और ये हमारा सारा सामान रेडी है। तो देखिए हमें, मैंने मूली में थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल लिया था, जैसे दिखने में और खाने में टेस्टी लगे। तो बिल्कुल अब हम, मैंने यहाँ पे बिल्कुल पेपर प्लेट लिए, बिल्कुल वो ही फील लाने के लिए जब भैया वाली, एकदम जैसे कि हम बिल्कुल बाहर खा रहे हैं, मार्केट में खाते हैं। तो अब हम प्लेट लगाएंगे बिल्कुल उसी तरह से, भैया की तरह। थोड़े से मिर्च के पकौड़े भी रख लेंगे, थोड़े से मूंग दाल वाले, उसके अंदर हम खूब सारी चटनी डालेंगे। चटनी इसके अंदर थोड़ी ज्यादा सी अच्छी लगती है, ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा सी। और मूली डाल लेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं, एकदम ये लग रहे हैं ना बिल्कुल जैसे हम मार्केट में खा रहे हो, कहीं पे जाके बाहर खाते हैं, एकदम वैसे ही उनका टेस्ट भी एकदम वैसे ही आ रहा है, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला टेस्ट। फ्रेंड्स आप इसको जरूर ट्राई करें घर पे, मैं तो कहती हूँ जरूर करें, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ईजी है और बहुत यम्मी बनते हैं ये। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी चटपटी मज़ेदार रेसिपीज पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।